और बुलंदशहर में नाबालिग दलित किशोरी से गैंगरेप किया गया। खेत में मजदूरी करने के लिए गई थी नाबालिग, तभी दबंगों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। परिजनों ने थाने में तहरीर दी है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जुटी हुई है। सिकंदराबाद कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर खेत में मजदूरी करने गई नाबालिग के साथ दबंगों ने गैंगरेप किया, जिसके बाद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। फिलहाल पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, बुलंदशहर से जहां नाबालिग दलित किशोरी के साथ गैंगरेप किया गया, जो खेत में मजदूरी करने के लिए गई थी, तभी दबंगों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बुलंदशहर से ये बड़ी और अहम जानकारी, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और देखने वाली बात होगी कि आखिर पीड़िता की फिलहाल क्या कुछ स्थिति है और वो मरीजों कितने लोगों का वहां पर नाम लेती है जो इस पूरी वारदात में शामिल थे, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो फिलहाल परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस पूरी वारदात में कौन शामिल था। इसी के साथ पीड़िता का बयान लिया जाएगा और बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पीड़िता के मुताबिक वो खेत में मजदूरी करने गई थी, तभी दबंगों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और गैंगरेप का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो बुलंदशहर से ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर नाबालिग दलित किशोरी से गैंगरेप किया गया, जब वो खेत में काम करने जा रही थी, उसी दौरान। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी है और क्या पीड़िता का बयान दर्ज किया गया है, क्या कुछ कहना है पुलिस का? देखिए, पुलिस की अगर बात करें तो हालांकि ये सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है, जहां गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है और साथ ही गैंगरेप की घटना को तो अंजाम दिया गया है और उसकी वीडियो बनाकर के सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। और पुलिस का वही रटा रटाया जवाब है कि हमने मामला दर्ज कर लिया, जल्दी गिरफ्तारी होगी। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी की अगर बात करें तो गिरफ्तारी अभी तक एक भी नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ये जरूर कह रही है कि हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी पुनीत, जैसा कि आपने बताया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, क्या वीडियो में आरोपियों की तस्वीर नजर आ रही है, साफ चेहरे दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने, जिस तरीके से वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें साफ चेहरा आरोपी का नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस का वो जो जवाब होता है कि हम जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच आखिर किस बात की है जब वीडियो में चेहरा साफ दिखाई दे रहा है? एक वीडियो बना रहा है, दूसरा युवक जो है वो उसके साथ में गैंगरेप की घटना को अंजाम दे रहा है। तो पुलिस कहीं ना कहीं इसमें ढीला मामला पुलिस का लग रहा है। हालांकि जल्दी गिरफ्तारी की बात कर रही है, लेकिन कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी ये फिलहाल कहना मुश्किल है। जी पुनीत, इसी के अलावा पीड़िता के परिजनों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? देखिए, पीड़ित परिवार का ये कहना है, उनसे जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये पीड़िता जो है खेत में काम करने के लिए गई थी, तभी जो आरोपी युवक है वो इसके साथ में जो वहां पर इसको उठा लेता है और इसके साथ में रेप की घटना को अंजाम देता है। साथ ही दूसरा आरोपी जो है वो वीडियो लगातार उसका बनाता रहता है और उसको जो है सोशल मीडिया पर वायरल करता है। जब ये कहता है, वो भी उससे ये कहता है कि मेरे साथ भी तुझे संबंध बनाने पड़ेंगे, लेकिन लड़की मना करती है। हालांकि परिवार के लोगों का ये कहना है कि हमने जो है तहरीर दे दी है, पुलिस जो है जल्दी कार्रवाई करेगी। जी पुनीत, क्या जो भी आरोपी है इस पूरे मामले में वो आसपास के गांव के ही रहने वाले हैं, या फिर वो जो आरोपी है उन्हें पीड़िता या पीड़िता के परिजन नहीं जानते? देखिए, पीड़िता के परिजनों की बात करें, पीड़िता की बात करें तो ये जो है आरोपी हैं वो गांव के ही रहने वाले हैं, उसी गांव के ही रहने वाले हैं। लेकिन जो फिलहाल पीड़िता के परिजन की बात करें तो वो सब लोग इनको जानते हैं, ये बताया जा रहा है कि परिचित ही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार कोई भी नहीं हुआ है। ठीक पुनीत, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।